सुना है, कितने टाइम से वर्कआउट कर रही हूँ मैं, वेट लॉस हो गया लेकिन टमी फैट बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे बस वर्कआउट करने से थोड़ी ना रिजल्ट मिल जाते हैं, जितना इम्पोर्टेंट वर्कआउट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डाइट भी होती है। हे वेट, ये डाइट एंड ऑल मुझसे नहीं होता यार, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। व्हाई डोंट यू ट्राई डाइट राइट? एक्सरसाइज करना भी जरूरी है लेकिन 100% वेट लॉस के लिए डाइट भी जरूरी है, इसलिए डाइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है मुंब्रा और कलवा में एक ऐसा ब्रांड जो 5 टाइम का डाइट फूड आपके घर पहुंचाएगा, जो कि सब ऑलिव ऑयल में बना हुआ होगा। उनके पास है क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो आपके डाइट का ख्याल रखेंगे। डाइट राइट को कॉन्टेक्ट करने के लिए डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। मनसा अध्यक्ष जमील शेख हत्याकांड में थाने पुलिस की पहली सफलता, थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार, राबुड़ी से ही मिला पहला सुराग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 नवंबर 2020 राबुड़ी में मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की निर्मम हत्या हुई। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन्हें गोली मारी गई जिसके चलते जमील शेख की तत्काल मृत्यु हो गई। उसके बाद राबुड़ी का आज तक माहौल तनाव भरा है। वहीं जमील शेख हत्याकांड थाने पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था। राजनीतिक आरोप, राजनीतिक लोगों पर आरोप, इसके चलते थाने पुलिस के लिए इस पूरे मामले को संभालना, परिस्थिति को नियंत्रण में रखना, इसके लिए बेहद भारी कवायद करनी पड़ रही थी। ऐसे में ही थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे के मार्गदर्शन में जमील शेख हत्याकांड में पहला सुराग पा लिया है, पहली गिरफ्तारी कर ली है, वो भी राबुड़ी परिसर से ही। आपको बता दें 24 तारीख को देर रात क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने राबुड़ी के क्रांति नगर परिसर में 7 नंबर गली में रहने वाले शाहिद लईक शेख, उम्र 31 वर्ष, इसको गिरफ्तार किया। इसके पास से इसकी एक लाल रंग की हुंडई एक्सेंट गाड़ी है, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। इस गाड़ी का नंबर है MH04GD7849 7849। तो ये गाड़ी हत्यारों को घटनास्थल से दूर ले जाने में इस्तेमाल की गई और उस वक्त हत्यारों के साथ शाहिद लईक शेख गाड़ी में मौजूद था और उसने उन्हें भगाने में मदद की, ऐसा पुलिस की जांच में अब तक सामने आया। आपको बता दें क्राइम ब्रांच द्वारा 3-4 अलग अलग टीमें बनाई गई है जो टेक्निकल जांच भी कर रहे हैं और मुखबिरों के जरिए इस हत्याकांड की गुत्थियों को और इसकी परतों को खोलने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अब ये पहली गिरफ्तारी शाहिद लईक शेख की हुई है। शाहिद लईक शेख जो एक टी परमिट गाड़ी है, ये उसकी हुंडई एसेंट जो ट्रैवलिंग के बिजनेस में अक्सर काम करता है, शाहिद शेख का इन शूटरों से कैसे संबंध आया, अलग अलग बातें सामने आ रही है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि शूटर कुछ दिन पहले ही क्रांति नगर परिसर में रहने चले आए थे। इनके रहने की व्यवस्था शाहिद और उसके एक साथी ने की थी जिसको अभी पुलिस खोज रही है। क्राइम ब्रांच यूनिट का दावा है कि बहुत जल्द जो है ये दूसरा साथी भी हमारे जाल में होगा और जल्द ही हम इस हत्याकांड की परत दर परत खोल करके रख देंगे। तो हम आपको बता दें क्रांति नगर परिसर जो थाने राबुड़ी का है, जहां पर आपको बता दें एंट्रेंस पे ही जो है राबुड़ी की तरफ से आप चले आएंगे तो एक शालीमार होटल है। मृतक जमील शेख अक्सर वहां जाया करते थे, बैठा करते थे, रात में उनकी वहां बैठक हुआ करती थी और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जमील शेख की रेकी करने का काम इसी शालीमार होटल के पास इन शूटरों को कराया गया था। शूटरों ने वहीं पर जो है शाहिद और उसके एक अन्य साथी की मदद से वहां रेकी की थी, जमील शेख की पहचान की थी। अब पुलिस जो है हालांकि इस मामले में बहुत ज्यादा खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। शाहिद लईक शेख को अधिकृत रूप से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 तारीख को गिरफ्तार करते हुए उसे जब कोर्ट में खड़ा किया गया है तो कोर्ट ने उसे 3 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया है। कौन है शाहिद शेख, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्रांति नगर का वो परिसर दिखा रहे हैं और 7वीं नंबर की वो गली भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें शाहिद शेख रहता है। अब शाहिद शेख पुलिस की जांच के दौरान पूछताछ में क्या मुंह खोलता है, किस तरह की जानकारी पुलिस को देता है, उस पर आगे की जांच की दिशा निर्भर करती है कि किस दिशा में ये जांच जाएगी और आगे कौन से ऐसे रहस्य जो अभी बने हुए वो खुल करके सामने आएंगे, वो चौंकाने वाले साबित होते हैं या टाई टाई फिस करने वाले साबित होते हैं।